ए हेलो हेलो रोहित हार्टवीर मुकेश शुभ्रा गार्ड कॉर्नर राजेश सिंह गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग राजू निखिल जी गुड इवनिंग। आई होप सबको मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है। अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। हाय स्वाति जी आर्ट बाय स्केच मनीषा जी हाय हाय वंशिका। प्लीज़ आवाज़ ठीक से आ रहा है तो मुझे थम्स दे दीजिए। गुड इवनिंग आर्टिस्ट से भी हाय रितेश थैंक यू वंशिका ग्रेट ग्रेट। तो सबको ओके ग्रेट। तो सबको आज का जो टॉपिक है वो मालूम हो चुका होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हेलो सौरभदा सूरज हाय 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 एवरीवन। तो पिछला जिसने भी कुछ वीडियो मेरा देखा रहेगा तो उन्होंने उनके लिए मैंने कलर व्हील बताया था। तो कलर व्हील हाय आदित्य सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो कलर व्हील देखा था उसको ही हम आगे लेके जाएंगे कि आपको जो भी दिक्कतें आ जाती है ग्रे कलर्स के बारे में। बहुत सारे लोग डल कलर कर देते हैं और अपना पेंटिंग वो पूरा खराब कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे पेंटिंग के अंदर जो मैंने ग्रे कलर्स डाले हैं ये काफ़ी यूनिक से हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है और उसको कैसे कलर्स बनाने हैं ये सब आज क्लियर करने वाला हूँ। जस्ट 1 मिनट ब्राइटनेस हो रहा है। ठीक है परफेक्ट। हाय सर जी सिकंदर सर वेलकम वेलकम टू एवरीवन। ओके तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज के जो सेशन है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं और उसका आपको क्या बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। ओके तो सबसे पहले आपको कलर व्हील समझना है कि कलर व्हील एग्जैक्टली क्या होता है और कलर व्हील का यूज़ हम अपने पेंटिंग के अंदर कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं जैसे कि येलो रेड एंड ब्लू। ओके तो रेड येलो एंड ब्लू ये हमारे प्राइमरी सेकेंडरी ऑरेंज पर्पल एंड ग्रीन जो हमने पिछली इसके अंदर हमने देखा था। अभी जो ये कलर्स है उसके जो अपोजिट कलर्स है उसको हमें यूज करना है अपने ग्रे कलर्स बनाने के लिए। ओके तो ग्रे कलर्स कैसे बनते हैं जो भी कोई भी अपोजिट कलर्स है उसको आपको मिक्स करके अपना जो कलर्स है वो ग्रे बनता है। हम ब्लैक लेते हैं जो कलर्स बनाते हैं वो काफ़ी डल हो जाता है बाद में यूज़ करने के बाद। लेकिन हम जब अपोजिट कलर एक के साथ एक मिक्स करते हैं वो जो ग्रे बनता है आपका पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट करता है और आपका जो फ्रेशनेस है वो काफ़ी अच्छे से मिलता है। जैसे कि हम कुछ भी सब्जी बनाते हैं उसके अंदर जो घी डालते हैं वो घी डालने का काम अपोजिट कलर्स करते हैं। हम ग्रे ब्लैक के साथ भी ग्रे बना लेते हैं तो उसमें कुछ इशू नहीं है। लेकिन
हम जब अपोजिट कलर्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स से जो ग्रे बनाएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बनता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल के तरफ। तो किन किन को लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर मालूम है, प्लीज आप थम्स अप कीजिए। अगर जिसको मालूम नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हाय सिकंदर सर, गुड इवनिंग। ये देखिए कि मेरे जो क्लास में थोड़ा थियोरेटिकली ज़्यादा होता है, शायद आप बोर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आप बताइए कि आपके पास आपको मालूम है क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर मालूम हो गए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जिसको भी मालूम है थम्स कीजिए, जिसको नहीं मालूम है तो वो मुझे वापस पूछ सकते हैं, सर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या और उसका क्या मीनिंग है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं, नहीं पता, नहीं पता है, पता। तो ठीक है, मुझे उसको आपको ठीक से बताना पड़ेगा, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मालूम नहीं है। तो एक सिंपल सा आपके पास एक कलर व्हील आपको फाइंड आउट करना है, जो आप गूगल से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन गूगल से आप एक कलर व्हील देखिए, वहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को सर्च कीजिए और उसके बाद आपको एक कलर व्हील मिलेगा। उसके बाद आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी कलर्स मिलेंगे। ओके, तो जो भी आपके अपोजिट साइड मतलब इसके सामने वाला जो कलर्स होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है येलो के सामने हमें वायलेट कलर मिल रहा है, ओके, ऑरेंज के सामने हमें ब्लू कलर मिल रहा है, रेड के सामने हमें ग्रीन कलर मिल रहा है, मतलब जो अपोजिट कलर्स होते हैं उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कह सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, सब कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लास कलर थ्योरी का मेरा नेक्स्ट वीक में क्लास है, तो अगर जिसको प्रॉपर सब कलर थ्योरी जानना है तो मेरा आप नेक्स्ट वीक में क्लास ले सकते हैं। लेकिन हमें अभी फोकस करना है जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ साथ जो सामने वाले जो कलर्स है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो एक सिंपल सा आपका गूगल पे आप कलर व्हील टाइप कीजिए और जो भी आपके सामने वाले जो कलर्स हैं उसको जब मार करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे कलर स्कीम होते हैं, तो वो आपको इजीली, इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप जस्ट सब फोकस कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के। आई होप सबको समझ में आया रहेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स सबको समझ में आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सैटरडे संडे कलर थ्योरी का क्लास है, तो किसी को भी ज्वाइन करना है तो मुझे पर्सनली आप डीएम कर सकते हैं। चलो इसको हटा देता हूँ, इस पेपर को। अभी हम बढ़ते हैं अपने कलर्स की तरफ। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ, चित्रपट पेपर का ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि चित्रपट पेपर जो बेसिक जो लोगों के लिए काफी अच्छा पेपर माना जाता है, काफी कॉस्ट भी उसकी काफी कम है और उसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है और 100% कॉटन आपको दिखाई दे जाए। चलो कौन सा भी एक कलर्स आप मुझे बता दीजिए, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो। नहीं, नेक्स्ट क्लास मेरे ये छोटे छोटे पार्ट्स ही हमारे यूट्यूब पे रहते हैं। अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो उसकी जो क्लासेस है वो प्राइवेट क्लासेस रहती है, उसको आपको पे करके ज्वाइन करना है। ओके, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा भी दो कलर्स मुझे बता दीजिए। ऑरेंज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कलर है?
ब्लू एंड ऑरेंज, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हम अभी देखेंगे, जैसे मुकेश जी ने उन बताया था। फिर हम धीरे धीरे आगे के कलर्स की तरफ जाएंगे। जो एकदम बेसिक है, जिसको कलर्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नए नए इस फील्ड में आए हैं, उनको थोड़ा सा कलर फील, आप एक बेसिक सा कलर फील, आप उसका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, वो भी देख सकते हैं आप। और जो बहुत सारा काम कर चुके हैं इसके अंदर, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है मैं जो अभी बताने वाला हूँ वो। ओके, तो ब्लू के अंदर बहुत सारे ब्लूज होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू, टर्कवाइज ब्लू, बहुत सारे ब्लू होते हैं। ऑरेंज के अंदर भी बहुत सारे ऑरेंज के शेड्स होते हैं, जैसे रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज, परमानेंट ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे ऑरेंज के शेड होते हैं। तो दोनों के जो भी कोई भी ऑपोजिट शेड्स है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ऑरेंज का डार्कर वर्जन हम देखेंगे तो ब्रंट सियाना, ब्रंट अम्बर, ब्रंट ऐसे बहुत सारी चीज है, जो भी ब्राउन से रिलेटेड है वो सब ऑरेंज के शेड्स होते हैं। ओके, तो अभी हम अपना ब्लू लेते हैं। तो शुरू में हम कोबाल्ट ब्लू कलर्स लेंगे। देखिए कि कोबाल्ट ब्लू ये मीडियम शेड्स का कलर है, ना डार्क है ना लाइट है। ओके, तो अगर मैं ब्लू कलर्स कोबाल्ट ब्लू लूंगा, तो आप कौन से भी कंपनी का कोबाल्ट ब्लू ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक इम्पोर्टेड ही कंपनी चाहिए। तो मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ, मिशन गोल्ड के कलर्स यूज करता हूँ। तो पहला मैं उसको अंदर डाल लेते हैं कलर्स। ओके, ये हमारा कोबाल्ट ब्लू कलर है। और उसका अपोजिट कलर है हमारा ऑरेंज, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। हाय, गुड इवनिंग। अभी ये दोनों कलर्स हम जब मिक्स करेंगे तो एक फ्रेश ग्रे हमें मिलने वाला है। तो बस मैं ऑरेंज के साथ कोबाल्ट ब्लू मिक्स करूंगा। दोनों का 50-50 मिक्सिंग होना चाहिए, तो एकदम न्यूट्रल कलर्स हम उसको आपको मिल जाएगा। तो इस कलर को हम न्यूट्रल ग्रे कहते हैं। अभी ये न्यूट्रल ग्रे हमें कहाँ कहाँ काम आ सकता है, आप अभी सोच सकते हैं कि अरे यहाँ ये कलर्स मुझे स्टोन में काम आ सकता है, शायद मुझे हेयर्स के अंदर काम आ सकता है, नहीं तो मुझे कुछ बैकग्राउंड करना है किसी भी फिगर का, तो मुझे ये कलर्स में पीछे डाल सकता हूँ। तो बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं ब्लैक न यूज़ करो, ये ना यूज़ करो, तो फिर क्या यूज़ करना है वो भी बताना ज़रूरी है। अगर ब्लैक न यूज़ करना है तो हमें ग्रे कैसे बना सकते हैं, तो अगर ये ग्रे बनाएंगे हम, अगर किसी भी पोर्ट्रेट के पीछे हम ग्रे डाल देंगे, तो जो आने वाला शेड्स है, मैं कुछ रेफरेंस में दिखाता हूँ मेरे पोर्ट्रेट के। जैसे कि ये पोर्ट्रेट है, उसके अंदर मैंने जो पीछे जो बैकग्राउंड डाला है वो
ऑरेंज एंड ब्लू दोनों का मिक्सिंग करके पीछे ग्रे किया है, उसके वजह से थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग वो क्रिएट हो जाता है। हाय विश्वजीत जी, ओके। तो उसके बाद यही कलर्स मैंने, ये जो है ये कलर्स इस टोन के अंदर आप देखेंगे तो ये ग्रेस उसी तरह मैंने बनाया हुआ है। तो इसका यूज आप बहुत जगह पे कर सकते हैं, जहां जहां पे आपको ग्रे के शेड्स मिलते हैं वहां पे आप ये कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये तो हो गया एक नॉर्मल कलर्स, लेकिन इसको मुझे और डार्क करना है। तो डेफिनेटली हमें डार्क करना है तो इस ब्लू एंड ऑरेंज के डार्कर शेड लेने पड़ेंगे। तो ब्लू का डार्कर शेड कोई बता सकता है कौन सा है? मैं सबका आंसर का ये करूंगा क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन आपको समझना जरूरी है, तो आप बताएगी कि इस ब्लू कोबाल्ट ब्लू से ज्यादा डार्क कौन सा ब्लू होता है। जैसे मैंने देखा ये सब इस लैंडस्केप के अंदर सब ग्रे ही ज्यादा ज्यादा यूज हुए हैं। अल्ट्रामरीन पर्शियन, करेक्ट है, करेक्ट है। इसके अंदर भी बहुत सारा ग्रेज मैंने यूज किया है इस लैंडस्केप के अंदर, ओके। तो और ऑरेंज का डार्कर शेड कोई बता सकता है? ठीक है, फिर हम अल्ट्रामरीन ये कलर्स लेते हैं इसको यहाँ पे डार्क करने के लिए। और ऑरेंज का डार्कर शेड ऑरेंज का अल्ट्रामरीन पता चल गया सब, अभी ऑरेंज का डार्कर शेड मुझे बताइए। नहीं, ऑरेंज का डार्कर शेड हमारा मोस्टली ब्रंट अम्बर, ब्रंट सियाना, देन सेफिया, जितने भी ब्राउन कलर्स हैं वो ऑरेंज के डार्कर शेड होते हैं। तो हम लेते हैं ब्रंट अम्बर या ब्रंट सियाना, दोनों में से कौन सा भी आपका कलर चलेगा। तो ब्रंट अम्बर हम यहाँ पे डालते हैं उसको ऑरेंज को डार्क करने के लिए, चलेगा ब्रंट अम्बर या ब्रंट सियाना दोनों में से कौन सा भी चलेगा। तो ये मेरा पास ब्रंट अम्बर। अभी इस दोनों को मिक्सिंग से जो कलर बनने वाला है काफी इंटरेस्टिंग ग्रे बनने वाला है। आप देखिए तो अल्ट्रामरीन ब्लू एंड ब्रंट अम्बर, उससे जो बनेगा कलर्स ये आपका ये कलर बने। ओके, तो इसका एक हम वॉश देके देखेंगे कि ये जो ग्रे बन रहा है वो किस तरह से अपने इसके अंदर फ्लो करता है। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे ब्लैक की जरूरत ही नहीं है। ये जो बन रहा है ब्लैक ये ट्रांसपेरेंट ब्लैक होता है। हम जो ब्लैक यूज करते हैं वो काफी ओपेक होता है, उससे हमारा जो वाटर कलर का जो मजा है वो निकल जाता है। तो डेफिनेटली हमें जो बनाना है वो मिक्सिंग करके ग्रेस या डार्क ब्लैक आप बना सकते हैं।
संचिता जी, वर्मिलियन ये ग्रीन के शेड्स है, तो जब हम रेड के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देखेंगे तब उसका काम आने वाला है। तो एक सिंपल सा, हम अगर कुछ ही मुझे जो भी कुछ पहाड़ रॉक या कुछ बनाना है, तो एक सिंपल सा हम ये बना सकते हैं। जैसे कि ये पहले हमने ऑरेंज एंड कोबाल्ट ब्लू लिया था, तो उसका एक वॉश हम डाल सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम अपना वॉश ये डालेंगे। देखो, अभी ये ग्रे बनाने के लिए आप बहुत सारा कलर्स यूज कर सकते थे, मतलब ब्लैक यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, उससे वो उसका ब्यूटी नहीं होगा। अभी इसको मैं हेयर ड्राई से ड्राई कर लेंगे और उसके ऊपर मैं जो कलर्स अप्लाई करूंगा वो डल नहीं होंगे। बिपिन जी, मैं कूल ग्रे एंड वार्म ग्रे उसकी तरफ भी आऊंगा मैं। ओके, तो हम सबको यही प्रॉब्लम आ रहा है क्या? मेरा आवाज कट रहा है या ठीक से चल रहा है? इसको थोड़ा सा हम इस तरह से उस रॉकी फील हम दे सकते हैं। और डार्क करना है तो हमें अल्ट्रा मरीन एंड पुरेंट अम्बर लेना है। अगर सबको ही ब्रेक ब्रेक करके आ रहा है तो शायद मेरी एंड से प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम ट्राई करते थोड़ा सा साउंड को नजदीक लाने की। ये बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप एक ग्रे के साथ कैसे खेल सकते हैं। बस हमने एक दो ही देखा है, एक ब्लू एंड ऑरेंज। तो इससे हम ये रॉक्स, अभी बहुत लोगों को हेयर्स होते हैं कि थोड़े ग्रे हेयर्स होते हैं, तो क्या करना है आपको कि ब्लू एंड फ्रंट अम्बर, उससे एक आप हेयर के लिए एक वॉश दे सकते हैं।
दो मिनट में थोड़ा वॉइस का देखता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट वन मिनट, गिव मी वन मिनट। मैं थोड़ा साउंड का क्लियर कर देता हूँ, जस्ट वन। हेलो, हेलो ओके, तो आप अभी आपको आवाज आ रहा है क्लियर, या वही प्रॉब्लम दे रहा है? ओके, हेलो, साउंड आ रहा है मेरा सबको क्लियर? हेलो, ओके ओके, हम आगे बढ़ते हैं अभी। सॉरी फॉर, मैं थोड़ा वॉइस चेक कर रहा था, क्योंकि वो आवाज़ क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ मज़ा नहीं सीखने में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो हेयर के लिए हम, अगर कुछ हमें हेयर्स बनाना है, तो अगर आपको थोड़ा सा कूल हेयर टाइप, मतलब कूल क्या होता है कि जहाँ पे आपका ब्लू का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे आपको कूल ग्रे कहते हैं, और जहाँ पे आपका थोड़ा सा ब्राउन या ऑरेंज का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्राउन के शेड्स थोड़े ज़्यादा बढ़ाने हैं। जैसे कि मुझे ब्राउन हेयर चाहिए, तो डायरेक्ट ब्राउन लेने से एकदम ऐसा आपको नॉर्मल ऐसे ब्राउन हेयर नहीं रहते हैं, तो उसके अंदर हल्का सा आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपको यूज़ करना है। जैसे कि हल्का सा मैं उसके अंदर अल्ट्रामरीन ऐड करूँगा, तो मुझे एक हल्का सा एक इस टाइप का ग्रे मिलेगा, जो मोस्टली आपके हेयर्स के कलर्स आपको मिलते हैं, जो ब्राउन हेयर्स होते हैं उसकी तरह। ओके, तो उसके अंदर मैंने हल्का सा एक टच दिया है। अभी इसको और मुझे डार्क करना है, इस ग्रेस को।
ओके, तो इसको मुझे और डार्क करना है, तो मैं ब्लू के अल्टामरीन ब्लू और उसका ब्रंट अम्बर उसका और लूंगा। तो जो भी मुझे हेयर्स के डार्कनेस को ऐड करना है, तो मैं उसके हाईलाइट छोड़ के इसके डार्क में इसके अंदर ऐड करूंगा। और मुझे डार्क करना है, तो इसको सूखने के बाद और मैं उसके अंदर ब्लू एंड अल्टामरीन, अल्टामरीन ब्लू एंड बरंट अम्बर में और उसके अंदर ऐड करूंगा। यू कैन मेक द आईज फॉर न्यूट्रल कलर्स फॉर मिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ डेफिनेटली, हम अगर आईज के जो कलर्स है, अगर किसी को डार्क आईज बनानी है, तो आप वही कलर्स मिक्स करके डार्क आईज भी बना सकती हैं, ब्राउन ग्रे या उससे कुछ भी करके। अभी मुझे इसको और ब्राउन के जो डार्कर शेड से मुझे ऐड करके, और मैं उसको जो भी हमारा हेयर से वो बना सकता हूँ। तो अल्टरमरीन एंड ऑरेंज से मोस्टली आपको ज़्यादा कूल ग्रेस मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्रीन एंड रेड की, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वार्म ग्रे मिलते हैं, जैसे कि ब्राउनिश ग्रे आपको उसको कहेंगे। तो उसके लिए मैं पोस्टर रेड या स्कारलेट रेड लूँगा, और सैप ग्रीन दोनों का मिक्सिंग से हमें एक थोड़ा सा ब्राउनिश कलर्स हमें मिल सकता है। इसको हम ग्रे ही कहते हैं, क्योंकि इस तरह से ब्राउन नहीं बनता। ब्राउन है तो बर्न टम्बर, बर्न सियाना जो भी है। अभी इसका यूज भी आप अपने हेयर बनाने के लिए, स्टोन बनाने के लिए, या कुछ जो जहाँ जहाँ पे आपको एक ग्रे की जरूरत है, वो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने कौन सा कलर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, रेड एंड ग्रीन। तो कौन सा भी ग्रीन आप उसके अंदर डालेंगे, तो उसी हिसाब से वो ग्रेस बनने वाले हैं। हाँ सरोज जी, करेक्ट, 50 शेड्स ऑफ ग्रेस। तो आप बहुत सारे ग्रेस बना सकते हैं, ब्यूटीफुल ग्रेस बना सकते हैं अपने काम के हिसाब से। बहुत लोग, मैंने जैसे पिछली बार बोला था, मैंने ग्रीन का मेरा जो जिसने जिसने भी ग्रीन कैसे बनता है उसका एक डेमो देखा रहेगा, तो बहुत लोग डायरेक्ट ग्रीन यूज करते हैं, जैसे आपने पैलेट में है उसी तरह उसको बना के अपना ट्रीज बनाते हैं। अभी देखिए कि अगर मुझे ये ग्रीन थोड़ा सा डल करना है, उसके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रल लेस लाना है, मतलब एक ब्यूटीफुल ग्रीन क्रिएट करना है, थोड़ा सा ऑलिव टाइप का ग्रीन क्रिएट करना है, तो इससे ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर करने से मुझे एक ऐसा ब्यूटीफुल ग्रीन मिल जाता है कि उसका यूज मैं अपने ट्रीज में, लैंडस्केप में कहाँ पे भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने कुछ येलो के पहले शेड्स डाल दिए यहाँ पे और उसको डार्क करना है, तो ग्रीन एंड हल्का सा उसके अंदर आपने रेड डाल दिया, और उससे थोड़ा थोड़ा सा इसके नीचे वाला शेडो डाल दिए। तो ये ट्रीज जो बनने वाला है ना, काफी आपको अलग और यूनिक सा दिखेगा, ना कि कॉमन जैसा। ओके, तो जो आपका रेड एंड ग्रीन का परसेंटेज है, जो कई कई बार क्या होता है कि आपको एक स्किन में डार्कनेस की जरूरत पड़ती है, या जो स्किन होता है थोड़ा सा आपको डार्क स्किन का जरूरत पड़ता है, तो हल्का सा रेड के अंदर आप थोड़ा सा ग्रीन डालेंगे, तो आपको ये शेड्स काफी इंटरेस्टिंग एक शेड्स मिलेगा।
इस तरह से आपको एक थोड़ा सा डल टाइप का एक शेड मिलेगा, जहां पे आपको लगता है कि मुझे थोड़ा डार्कर स्किन डालना है तो आप ये डाल सकते। आपने बहुत बार जो चाइनीज आर्टिस्ट है उनको देखा रहेगा कि वो ग्रीन के साथ बहुत बार खेलते रहते हैं, कि उनके पास कुछ लाइटर ग्रीन होता है, जैसे कि इस तरह से ग्रीन होता है, और उसके साथ वो जैसे काम करते करते उसके अंदर पोर्ट्रेट के अंदर पिंक भी डाल देते हैं। तो हमें लगता है यार, ये ग्रीन और पिंक का क्या डिफरेंस है और क्या क्यों यूज कर रहे हैं? तो जैसे जैसे आप ग्रीन एंड पिंक ऐड करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग सी एक आपको स्किन कलर बनता है, क्योंकि दोनों का मिक्सिंग होके आपको एक बेहतरीन एक अलग स्किन कलर बनता है। तो आप ये ग्रीन और थोड़ा सा पिंक आप ऐड करके देखेंगे तो आपको एक अलग सा एक स्किन कलर टाइप आपको मिलेगा। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको कलर व्हील को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार जो बताया एकदम बेसिक से स्किन कलर कैसे बनते हैं वो बताए थे, लेकिन आपको और भी एडवांस जाना है तो इस तरह से आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ग्रीन एंड रेड उसका मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दिया। तो ग्रीन आप कौन सा भी आपके हिसाब से, आप जैसा आपको कूल ग्रीन चाहिए, मतलब थोड़ा सा कूलनेस चाहिए, जैसे टर्कवाइज ग्रीन है उसके साथ अगर मैं रेड ऐड करूं तो उससे कौन सा कलर बनता है वो आपको थोड़ा सा देखना है। उसका उसका जो ग्रे है वो कैसा बनता है, और ये कहाँ पे काम आने वाला है, ये सब चीज़ें आप खुद नहीं जानोगे या खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगी। तो हर ग्रीन के साथ आधा भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपको मिक्स करके देखना है कि आपके कलर्स कौन से बनते हैं। ये ग्रीन जो है वो लाइट ग्रीन है, उसको हम गोल्डन ग्रीन भी कहते हैं। देन ये जो यूज़ कर रहा हूँ वो टर्कोइस, सैप ग्रीन, वर्लिन ग्रीन, कौन सा भी ग्रीन आप रेड कौन से भी रेड के साथ आप मिक्स करेंगे तो हल्का सा आपको अच्छा सा एकदम ग्रीन आपको मिल जाएगा। पोर्ट्रेट के लिए कौन से शेड्स लेने चाहिए, तो मेरा पिछला जो पोर्ट्रेट स्किन का जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, येलो एंड वायलेट कलर्स के तरफ। सबको समझ में आ रहा है तो सब थम्स कर कीजिए मुझे, और किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछिए आज के लेक्चर रिलेटेड, क्योंकि अगर आप दूसरा सब्जेक्ट छेड़ेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है वो मिस हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं सिखा रहा हूँ ग्रे कलर्स और आप पूछ रहे हैं दूसरे कलर्स तो फिर मज़ा नहीं ना। जो सिखा रहा हूँ उसके बारे में आप क्वेश्चन देंगे तो मैं फटाक से आपको आंसर दूंगा। और ये मैं खाली डेमो नहीं है, ये टेक्निक्स है। अगर ये टेक्निक्स आप अपने काम में यूज करेंगे तो आपका काम इम्प्रूव होने वाला है। यहाँ से आप मास्टर डेमो नहीं करके लेके जा रहे, यहाँ पे आप नॉलेज लेके जा रहे जो अपने काम में यूज होने वाला है।
डेमो तो हम बहुत सारे आर्टिस्ट हमेशा देते आ रहे हैं, लेकिन डेमो के साथ साथ आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आता कि आर्टिस्ट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका टेक्निक क्या है। वो टेक्निक समझने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आते हैं हमारा पर्पल, एंड इसको हम वायलेट एंड येलो कह सकते हैं। जब तक आप ये स्वेचेस नहीं बनाएंगे तब तक पर्पल और ऑरेंज भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। कैसे हो सकता है मैम? जो सामने वाले कलर्स है वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, अगर उसके बाजू वाले आप कौन सा भी पकड़ के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। ओके, तो पर्पल एंड येलो ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। तो अभी दोनों का मिक्स करके जो कलर्स बनेगा थोड़ा सा एक वार्म ब्राउन कलर्स आपको ये दिखाई देगा इस तरह से। मनोरंजन जी डोंट वरी, जिसको लाइक करना है वो लाइक करते हैं, जिसको बस देखना है वो देख के निकल जाते हैं। डोंट वरी, मैं हमारा जो ये है कि आप सबको कुछ नॉलेज आ जाए, वही मेरा एक मेन मोटिव है। तो ठीक है, लाइक नहीं करेंगे तो उनको पसंद नहीं रहेगा, तो उनको फोर्सफुली हम लाइक नहीं कर सकते। ओके, तो वायलेट एंड येलो उससे जो बन रहा है एक थोड़ा सा वार्म टाइप का ग्रे हमें बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे आ सकता है, उसका जो यूजफुलनेस है। जैसे कि आप कोई लैंडस्केप बना रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रे टाइप के माउंटेन्स बनाने हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ कि आपको बहुत बार लोग जो दूर के माउंटेन्स है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये दूर का माउंटेन है, ना वायलेट दिख रहा है ना ब्राउन दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो वहाँ वहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा सा वो काम आ सकता है। तो उसमें हल्का हल्का सा हमने ग्रीन डाल दिया तो एक इंटरेस्टिंग था, एक जो सूखा हुआ मतलब जो ग्रे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती है, वो उस तरह का आपको ये फील देगा। तो इस तरह से आप थोड़ा इंटरेस्टिंगली ये देख सकते हैं कि किस तरह से उसका जो कलर्स है, एक ब्यूटीफुल कलर्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कई कई हेयर्स होते हैं जहां पे हमें आउटडोर पे होते हैं, तो उनके हेयर थोड़े से वायलेटिश टाइप के आपको हेयर्स दिखाई देते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि वायलेट अगर हमने यूज़ किया तो एकदम फेक हेयर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐड कर दिया। तो जो हेयर्स है वो थोड़े से अपने वायलेटिश टाइप के हेयर्स आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग क्रिएट करते हैं, फिर उसको और डार्क करना है। तो फिर हम उसके अंदर अल्टामरीन ऐड करके उसको डार्कनेस की तरफ लेके जा सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन आप जब देखेंगे आप बाहर की तरफ, जब आप अभी कोई रेफरेंस देखेंगे तो ये कलर्स आपको दिखना चालू हो जाता है। ओके,
तो इस तरह से हम अपना ये कलर्स बना सकते हैं। तो केक कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम होता है। तो ट्यूब कलर जितना यूज़ करेंगे उतना आपका फ्रेशनेस आ सकता है। ओके, अभी ये हो गए येलो ऑरेंज और इसका। तो हम क्या करते हैं कि ये जो मैंने देखा है उसमें से हम जो ग्रे कलर्स है उसको यूज़ करके एक अच्छा सा छोटा सा एक लैंडस्केप कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। चलो एक 2 मिनट दे दीजिए मुझे, एक छोटा सा पेपर लगा लेता हूँ। हम ग्रे कलर के साथ एक एक ड्रामेटिक लैंडस्केप हम क्रिएट करेंगे। अमन जी, अगर मुझे दिन के हजारों मैसेज आते हैं, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पाता। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप भी मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू से रिया। हाँ, किसी ने पूछा था कि 3 कलर के साथ भी ग्रे बनता है। आप जितना ज़्यादा कलर्स मिक्स करेंगे उसी से ग्रे बनने वाला है, लेकिन वो ग्रे जो बनता है काफ़ी वन लेयर के लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर उसके यहाँ ऊपर 2-3 लेयर्स डालेंगे तो वो ग्रे एकदम डल हो जाते हैं। तो आपको 2 कलर के साथ इमिजिएटली ग्रे बनना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आप 3-4 कलर के साथ जो ग्रे बनता है वो काफ़ी डल वाला ग्रे बनता है, तो मैं वो अवॉइड करूँगा आपको कहने को। अभी हम जस्ट ग्रे के साथ ही पूरा पेंटिंग बनाएंगे। अल्ट्रामरीन एंड ब्रंट अम्बर।
जो ग्रीन, उसी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन डाल देंगे तो हमें एक हल्का सा का ग्रे हमें मिल जाएगा। अभी तो मैं वेट ऑन वेट टेक्निक पे काम कर रहा हूँ। अभी नीचे के जो स्टोन है उसके लिए मैं ब्रंट अम्बर एंड अल्ट्रामरीन उसका ग्रे हम बनाएंगे, थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू एंड ऑरेंज का भी। तो नीचे का हम थोड़ा वाटर दिखाएंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डार्कर शेड्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जो यहाँ का वाटरफॉल का जो फॉग होता है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा इसको हेयर ड्राई से ड्राई करता हूँ। जो अभी जो मैं पेपर यूज कर रहा हूँ लाना पेपर है, इसीलिए थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंगली वो ब्लेंड हो रहा है, बाकी पेपर्स इतने सॉफ्टली ब्लेंड नहीं होते हैं। जिसको भी मटेरियल के बारे में डाउट है तो पीछे जाके मेरा जो मटेरियल गाइडेंस का है वीडियो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब क्लियर किया है कि क्या क्या ब्रशेस होते हैं, क्या क्या मटेरियल होता है, वो सब मैंने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
तो धीरे धीरे जो ग्रे के कलर्स हैं मैं बस ऐड करते जा रहा हूँ जो स्टोन के वहां पे, वो अब पर है। हाँ थैंक यू रोमेश जी। अभी नीचे नीचे आते समय थोड़ा सा वाटर के अंदर ग्रीन ग्रे होता है, तो थोड़ा सा रेड एंड ग्रीन उसका परसेंटेज हम लेंगे, थोड़ा सा ब्लूज भी हम उसको डार्क करने के लिए।
तो धीरे धीरे हम उसको डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जो डेप्थ हमें दिख रहा है वहाँ पे तो वो हम ऐड कर सकते, जो स्टोन के टेक्सचर से देन बस ग्रे कलर के साथ ही मैं खेल रहा हूँ, जहाँ पे मुझे वार्म चाहिए वहाँ पे मैं ब्राउन एक ज़्यादा ले रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे कूल चाहिए वहाँ पे मैं ब्लू ज़्यादा ले रहा हूँ। तो बस ग्रे के साथ आप खेल के बहुत सारे कलर्स या पेंटिंग बना सकते हैं। मैंने जस्ट एक ये एक सैम्पल दिखाया है, लेकिन पोर्ट्रेट के अंदर, लैंडस्केप के अंदर, बहुत जगह पे आप एक इंटरेस्टिंगली उसका यूज़ करके मज़ा क्रिएट कर सकते हैं अपने पेंटिंग में। बस एक सिंपल सा एक लैंडस्केप था जो आपको समझाने के लिए मैंने दिया था। एक दो फिगर्स हम डाल सकते हैं अगर डालना है तो।
ये हो गया अपना फिगर्स, और भी हम डाल सकते हैं फिगर्स। ये जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ लाना पेपर है, तो अगेन मैं कहूँगा जिसको भी डाउट है मटेरियल के बारे में, तो इसके पहले का जो मटेरियल का गाइडेंस का वीडियो है आप देख लीजिए, नहीं तो आप बार 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 मटेरियल के बारे में उलझते रहोगे, तो पिछले का जो वीडियो वो मिस मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि आई होप आपको सो ग्रे कलर से वो समझ में आए हैं। इन फ्यूचर आपको एक स्वेचेस बनाने हैं ग्रे कलर्स के, और मुझे इंस्टा पे आप टैग कर सकते हैं, तो मैं देख पाऊँ कि आपने क्या सीखा है क्या नहीं है। और ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि किसी को और लोगों को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो के साथ आप इंस्टा पे ये जो लिंक है इंस्टा पे आप मुझे टैग कर सकते हैं, और आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपका बहुत सारा क्वेश्चन था तो मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा, तो मैं लास्ट के 5 मिनट आपको देता हूँ कि जो भी आपके कुछ क्वेश्चन भूल चुका हूँ मैं या पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो आप मुझे वापस पूछ सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं तो आप यहाँ पे सेशन हमारा ख़त्म होता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन किसी को और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ये मेरा जो हमारा जो प्रोग्राम है यूट्यूब प्रोग्राम सिकंदर सर, अचिंत्य सर, देन विक्रांत सर और मेरा, हम चारों का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा तो हमें चारों को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब एक एक सब्सक्राइब हमें थोड़ा प्रेरणा देते हैं आगे के वीडियो बनाने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमें लाइक नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन होके शायद हम ये एक्टिविटी बंद कर दें। तो आपके दोस्तों से साथ, फैमिली के साथ, जिसको भी ज़रूरत है आर्ट की, उसको आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए। हर किसी को दो दो सब्सक्राइबर हमें लाना है, तो हम और भी कुछ अलग अलग आपके साथ एक्टिविटी लाते रहेंगे। तो सिकंदर सर जी हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े, तो मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप? मेगरी आपका मतलब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मैं उसका क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे भी मिल सकता है। पोर्ट्रेट मतलब जो हम फेस बनाते हैं उसको पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप जो हम पेंटिंग करते हैं उसको लैंडस्केप कह सकते हैं। तो पहले यस मैं हम ये प्रोग्राम तो इमिजिएटली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से आपका रिस्पांस मिलेगा उसी तरह हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। वाटर कलर द सीपी जो ग्रे में काम करते हैं वो मास्टर है जोसेफ जुबविक,
वो आप थोड़ा सा इंटरनेट से सर्च करते उनका आपको मिल जाएगा। तो डू यू हैव एनी ऑनलाइन वाटर कलर क्लास? हाँ, मेरा जो वाटर कलर का क्लास है, बेसिक वाटर कलर का क्लास और कलर थियरी एंड एक्रेलिक बेसिक, ये नेक्स्ट संडे आ चुका है। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारा चारों का, तीनों का मिल के एक वर्कशॉप आने वाला है जो नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा। सिकंदर सर, अचिंत्य सर और मैं काफ़ी चितकुल का जो भी इंटरेस्टिंग स्पॉट है उसके बारे में हम अपना वर्कशॉप देने वाले हैं। तो आप जरूर जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। तो मेरा दूसरा कैमरा का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, तो एक नॉर्मल कैमरे के साथ मैं आपके साथ आ चुका हूँ। तो आपके जो भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो नहीं तो फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। और जिसको भी कुछ इन फ्यूचर्स सेशन की जानकारी चाहिए तो हमारा इंस्टा आईडी है, उसको आपको फॉलो करना है। तो मनीषिका जी बाय। कोबाल्ट ब्लू एंड कौन सा भी ऑरेंज आप ग्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि जो शेड है उसी हिसाब से आपके ग्रे चेंज हो जाएंगे। जो परमानेंट ग्रे है उसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। कल हमारे विक्रांत सर जी का डेमोस्ट्रेशन है, तो आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन कीजिए। एटीट्यूड दो, हमें जो मार्केट में अवेलेबल ग्रे भी यूज करता हूँ, लेकिन जो हम खुद से बनाते हैं काफी इंटरेस्टिंग ग्रे होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप मार्केट में जो है वो ग्रे यूज करेंगे तो भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं। किसी ने बीच में पूछा था मुझे कि ब्लैक एंड वाइट कलर्स अगर वाटर कलर है आप यूज ही नहीं करना बोल रहे, तो ब्लैक एंड वाइट कलर्स क्यों यूज कर सकते हैं? जैसे कि आपने हिंदी किसी ने पढ़ा है तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं ज्ञ या कुछ है, वो हर टाइम काम में नहीं आते। लेकिन हम लिटरेचर सीखते हैं, जैसे कि ब्लैक का कलर्स हमें सब कुछ आने के बाद ब्लैक यूज हम कर सकते हैं। जैसे आलवारो जो आर्टिस्ट है, एक मास्टर आर्टिस्ट, वो उनके काम में काफी ब्लैक यूज करता है। जोसेफ या कुछ जो बहुत सारे आर्टिस्ट है जो हाइलाइटिंग के लिए या किसके लिए व्हाइट यूज करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो व्हाइट है उसको टेक्चर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि ब्लैक व्हाइट नहीं यूज करना है, लेकिन आप अगर उसको अवॉइड करके अच्छा काम कर रहे हैं शुरू शुरू में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका काम हो सकता है। लेकिन आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं तो शायद आपका पेंटिंग बिगड़ सकता है। तो मैं जो शुरू के दौर के में जो आप सीख रहे हैं उसके दौर में आप ब्लैक एंड व्हाइट में सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अलका जी, अभी मुझे ये सब असाइनमेंट करके आपको दिखाना है ग्रे कलर्स के साथ। ग्रे कलर के साथ आप पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं ग्रे कलर के साथ, लैंडस्केप बना सकते हैं ग्रे कलर्स के साथ, स्टिल लाइफ कर सकते हैं। तो हर कोई मुझे ये असाइनमेंट मुझे टैग करेगा मेरे इंस्टा पे। तो कैन वी मिक्स कलर ऑन द पेपर एंड क्रिएट द ग्रे टोन? डेफिनेटली, अगर आपको ग्रे टोन ही चाहिए तो आप पीछे एक कॉम्प्लीमेंट्री वेट ऑन वेट टेक्निक में आपको खेलना पड़ेगा। अगर आपको कम टाइप, मतलब थोड़ा सा कम ग्रे चाहिए, तो लेयर बाय लेयर्स भी आप ऑरेंज के ऊपर अगर आपने ब्लू डाल दिया तो वो भी ग्रे होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे उसका डार्कनेस बढ़ता है। अगर आपको डार्कनेस वैसा ही के वैसा रख के अगर करना है तो आप पैलेट के अंदर ग्रे बना के डाल सकते।
थैंक यू अमन जी। तो मेरे लास्ट के जो लाइव वीडियोस है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था ग्रीन कलर्स कैसे बनते हैं जो ट्रीज के लिए काम आते हैं। सेकंड मेरा वीडियो था वाटर कलर का, जो मीडियम्स है, अलग अलग मीडियम्स उसके साथ आप खेल रहे थे। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन से मटेरियल यूज़ करना है, पेपर क्या होते हैं, ब्रशेस क्या होते हैं, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और लास्ट मेरा सेशन था स्किन कलर्स। तो स्किन कलर्स काफ़ी आपको दिक्कत आती है कि कैसे स्किन कलर बनाए, उसका टेक्निक मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हर वीडियो आपके काम में आने वाला है। तो अभी के लिए बहुत हो चुका, अभी बहुत मतलब बहुत देर से आप मेरे साथ जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा पोर्ट्रेट देखना है तो आप डेफिनेटली मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।